हमारे करौली में प्रत्येक पंचायत पर राजीव गांधी सेवा केंद्र खोले गए हैं। इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण लोगों को राज्य के सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध की जाती है, लेकिन ये राजीव गांधी सेवा केंद्र किसी भी पंचायत पर नहीं खुलने की वजह से ग्रामीण लोगों को अपने काम के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। आपके जो आधार कार्ड है, परिचय पत्र है, बाकी के जो भी कोई ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं उसके लिए कहाँ जाते हो आप? ऑनलाइन फॉर्म के लिए करौली जाते हैं। करौली जाने के लिए कितना समय लगता है आपको? मैडम कम से कम 2 घंटे, मान लो 2-3 घंटे वेस्ट होता है। और वहाँ जाने के बाद में काम करने के लिए कितना समय लगता है फिर? 2-3 दिन। हाँ, फिर वहाँ से दोबारा भी कंप्लीट होना पड़ता है फॉर्म। हम पहला आधार कार्ड बनवाया, फिर सब कुछ किया, तो 5 दिन फॉर्म में वेस्ट होते कम से कम। और कितनी समस्याएं आती है वहाँ तक पहुँचने में और काम को कराने? बहुत समस्या आती है मैडम। एक एक दिन में नंबर नहीं आता, 2 दिन हो जाते नंबर लगने खड़े खड़े रहते हैं। आधार कार्ड में 2 दिन में नंबर आया था, 2 दिन लगता है आधार कार्ड बनवाने। जब मैं राजीव गांधी सेवा केंद्रों पे गई तो मैंने हर पंचायत में जानकारी की कि इन केंद्रों की क्या स्थिति है, जबकि इनको 1 अप्रैल 2013 से लागू किया गया था और इनको इनके काम के लिए इन पर सोलर लाइट लगाई गई है, कंप्यूटर ऑपरेटर रखे गए हैं, कंप्यूटरों की व्यवस्था होते हुए भी ये केंद्र कभी भी नहीं खुलते हैं। क्या कारण है कि आपके यहाँ पे राजीव गांधी सेवा केंद्र नहीं खुला हुआ? इसका तो मैं जानता हूँ, कभी खुलता ही नहीं दिखा। मैं तो सिर्फ मीटिंग होती है यहाँ उसी टाइम खुलता है। उन्होंने बताया नहीं कि हम इस काम के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, ये नहीं बोला हमसे ना कुछ, तो इसको पता ही नहीं था कि ये इस काम के लिए है। ग्रामीण विकास विभाग जयपुर से निवेदन है कि इन केंद्रों का संचालन सही तरीके से किया जाए, वह इनको तुरंत चालू किया जाए, जिससे ग्रामीण लोगों को अपने काम के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहर्ड के लिए।